और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। किसान की खड़ी गेहूं की फसल कर दी गई नष्ट, दर दर की ठोकरे खा रहा किसान। दरअसल गांव बिस्तोला में मोहम्मद उस्मान का खेत है जिसमें गेहूं की फसल खड़ी थी। शनिवार तड़के किसी ने सूचना देकर बताया कि खेत पर ट्रैक्टर चल चुका है। यह सुनते ही पीड़ित उस्मान और सुलेमान सहित अन्य परिवार के लोग जब खेत पर पहुंचे तो बंजर जमीन देखकर होश उड़ गए। खेत बिल्कुल साफ हो चुका था और फसल गायब कर दी गई थी। वहीं पीड़ित ने 100 और 112 पर पुलिस को फोन किया। पीड़ित का कहना है कि काफी देर बाद संपर्क हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची। आइए जानते हैं पीड़ित किसान ने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। बताओ क्या मामला? मामला ये है कि मैं सुबह जब दूध लेने गया था घर से, तो मुझे वहाँ से एक सूचना दी पड़ोसी ने। हाँ। कि भाई उस्मान भाई, तुमने खेत में गेहूं बोए बोया कैसे जोत दिए, तो बहुत बड़े बड़े गेहूं कैसे, कितने जोत दिए, क्या हो यार तुमने जोते? मैंने कहा जी मैंने नहीं जोते, मुझे तो पता नहीं, मैं तो खुद पानी को कह रखा था 3-4 दिन से। अच्छा। मैं तो अब पानी दूसरा लगाने वाला था ना, बड़े बड़े गेहूं हो रहे, तो वो कहने लगा उनको नम भैया आके देख ले तो जूता पड़ा। अब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने पड़ोस में छोड़ लग रही थी, मैंने उनसे मालूम करा, उन्होंने कहा उनको नहीं भैया रात तक बिल्कुल ठीक थे गेहूँ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ हम देर से गए यहाँ से। फिर वो कह मन का तो सुबह आपके सामने, उनको नहीं हमारे सामने कोई नहीं मिला, हमें भी वो जूता मिला। फिर मैंने पड़ोसियों के फोन से ही, उन्हीं के फोन से 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर को फोन करके उन्हें सूचना दी, उन्हें बताया, वो मौके पर वहाँ पहुँचे। अब कहाँ हो आप? अब मैं जो हूँ चौकी में आया हुआ हूँ, लावड़। ठीक है, तहरीर दे दी आपने? हाँ जी, तहरीर दे दी मैंने लावड़ चौकी में। पीड़ित उस्मान का यह भी कहना है कि लावड़ इंचौली में तहरीर दी थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने पटवारी के आने की बात कही और पटवारी ने कहा कि मैं कहीं और ड्यूटी पर हूं, सोमवार को आऊंगा। इतना कहकर चौकी इंचार्ज ने पटवारी के आने तक की बात कहकर मामला अधर में लटका दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद मेरठ थाना इंचौली क्षेत्र के गाँव बिस्तोला का है। पीड़ित की सुनवाई नहीं होने के बाद पीड़ित उस्मान के पुत्र पत्रकार एम बिलाल मंसूरी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए शिकायत की, जिसके बाद आला अधिकारियों की नींद टूटी और पीड़ित को कॉल करके थाना इंचौली बुलाया गया। पीड़ित उस्मान का परिवार आर्थिक नुकसान होने के कारण सदमे में है। इस तरह एक किसान की खड़ी गेहूं की फसल को उजाड़ देना और क्यों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।